मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में बीते 6 दिनों से मौत की जंग लड़ रहे एक मासूम बच्चे को अब जीवन दान मिल गया है और ये जीवन दान दिया है जेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने। जी हां, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में कैसे रंग लाई डॉक्टरों की मेहनत। गंभीर बीमारी से पीड़ित सवा महीने के बच्चे आकाश नाथ को उसके माता पिता गंभीर हालत में 14 मार्च को जेपी अस्पताल लेकर आए थे। बच्चे को तेज बुखार और सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को PICU में भर्ती किया था। बच्चे की प्राथमिक जांच के बाद उसका उपचार शुरू किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे के हालात में सुधार नहीं आ रहा था। नवजात के शरीर में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी थी, क्योंकि बच्चे को न्यूमोनिया था। नवजात की हालत में सुधार के बाद बच्चे की दादी के चेहरे की खुशी का ठिकाना न था। बच्चे की दादी ने बताया कि आज डॉक्टरों की वजह से उनके पोते को जीवन दान मिला है और वह पूरी तरह से स्वस्थ है। अपने डॉक्टर लोगों ने, उस मैडम सर ने, सब ने उसके रात भर जग जग के उसके वो करी सर। जेपी अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल के शिशु विभाग के समस्त चिकित्सक, PICU, MSNCU के समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बच्चे को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। बच्चे के परिजनों के अनुसार सभी डॉक्टरों की दिन रात की मेहनत के बाद उनके बच्चे को गंभीर बीमारी से निकाल कर उसे नया जीवन दान दिया है, जिसके चलते परिजनों ने सभी का आभार जताया। देखिए, हमारे एक्चुअली 4 PGMOs होते हैं जो पीडियाट्रिशियंस हैं, और 4 हमारे पास में CPS के डिप्लोमा डॉक्टर्स होते हैं, सिस्टर्स हैं, स्टाफ हैं। सबने मिलकर बहुत मेहनत करी, उसके अंदर बच्चे को निकाला बाहर, और सभी का सहयोग है। PICU की पूरी टीम काम करती है, एक आदमी का उसका नहीं होता, क्योंकि क्रिटिकल बच्चों में रात को भी मॉनिटर करना पड़ता है, वेंटिलेटर्स में दिन में रात दिन उसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो सारी टीम ने दिल लगा के काम किया और अब इसका रिजल्ट है कि बच्चा आ गया है। तो काफी खुशी की बात है ये पेरेंट्स लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। जिस बच्चे की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, हमको बचाने का प्रयास पूरा रहता है हम लोगों का, लेकिन एक उम्मीद हम लोगों को था कि पता नहीं बच पाएगा नहीं बच पाएगा, लेकिन सभी लोगों ने सारे प्रयास किए, हम लोगों सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तो बच्चा अभी सुधार है काफी उसमें। अस्पताल के डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई है, बच्चा अब स्वस्थ है। खून में इन्फेक्शन भी कम हो गया है और ऑक्सीजन की मात्रा भी सामान्य बनी हुई है। बच्चे को सांस लेने में भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जेपी अस्पताल के डॉक्टर भगवान साबित हुए हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से कैमरामैन विपिन पटेल के साथ संवाददाता सनी मालवी की रिपोर्ट।